अगस्तस सीजर, जिसे गायस यूलियस सीजर ऑक्टेवियनस के नाम से भी जाना जाता है, पहला रोमन शहंशाह और रोमी तारीख की सबसे बाअसर शख्सियात में से एक था। उसने रोमन रिपब्लिक से रोमन एम्पायर में मुंतकली में एक अहम किरदार अदा किया। उसके दौरे हुकूमत ने रोमाना पैक्स का आगाज किया, जो निस्बतन अमन और इस्तेहकाम का दौर था, जो 2 सदियों तक जारी रहा। 63 कबल मसीह में पैदा होने वाला अगस्तस मशहूर रोमी जनरल और सियासतदान जूलियस सीजर का भतीजा था। 44 कबल मसीह में जूलियस सीजर के कत्ल के बाद अगस्तस अपने हरीफों बशमूल मार्क एंटोनी और लेप्टस के साथ इकतदार की कश्मकश में उलझ गया। बलाखर वो फतह याब हुआ और 27 कबल मसीह में उसे रोमन सेंट ने अगस्तस का खिताब दिया, जिससे वो पहला रूमी शहनशाह बना। अगस्तस के दौरे हुकूमत को बड़ी इस्लाहात की एक सीरीज ने निशान जदे किया, जिसने रोमन रियासत को तब्दील कर दिया। उसने रोमन फौज को दोबारा मुनज्जम किया, एक पेशावर सिविल सर्विस बनाई और सूबाई इंतजामिया का एक ऐसा निजाम कायम किया जिसने ज्यादा कारकर्दगी और जवाबी की इजाजत दी। उसने रवायती रोमन इकतदार को भी फरोग दिया, जिनमें तकवा, खानदानी इकदार और हिब्बुल वतनी शामिल है, और फनून लतीफा और अदब की हौसला अफजाई की। शायद सबसे अहम बात, अगस्तस ने रोमन दुनिया में निस्बतन अमन और इस्तेहकाम के दौर का आगाज किया। पैक्स रोमाना, जो 27 कबल मसीह से 180 ईस्वी तक जारी रहा, में फौजी तनाजियात, तजारत और तजारत की तोसी और रूमी सकाफत और तहजीब की तरक्की में कमी देखी गई। इस वक्त के दौरान रूमी सल्तनत बहिरा रूम की दुनिया में गालिब ताकत बन गई, और उसका असर मशरक में हिंदुस्तान तक और मगरब तक स्पेन तक फैला। उनके बहुत से कारनामों के बावजूद अगस्तस का दौर तनाज़ा के बगैर नहीं था। कुछ लोगों की तरफ से उनके आमराना तर्ज हुक्मरानी और खानदान के कयाम के लिए उनकी कोशिशों पर तनकीद की गई। उसे रोमन सल्तनत के अंदर से भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिसमें सूबों में बगावतें और मार्क एंटोनी जैसी ताकतवर शख्सियात की मुखालफत शामिल है। ताहम अगस्तस के मीरास AD 14 में उसकी मौत के बाद तवील अरसे तक बरकरार रही। उन्हें एक अजीम रहनुमा के तौर पर याद किया जाता था, जिसने रूमी सियासत को तब्दील किया और अमन और खुशहाली का दौर कायम किया। उसके दौरे हुकूमत को मुस्तकबिल के रोमन शहनशाहों के लिए एक नमूना के तौर पर देखा जाता था, और एक मजबूत, मुस्तहकम और खुशहाल रोम के लिए उसके विजन को मगरबी तारीख की शक्ल दी गई। आखिर में अगस्तस सीजर रोमी तारीख में एक अजीम शख्सियत थी, जिसने रोमन रियासत को तब्दील किया और निस्बतन अमन और इस्तेहकाम के दौर का आगाज किया। उनकी फौजी और इंतजामी असलाहत रवायती रोमी इकदार को फरोग देने और पाकस रोमाना के कयाम समेत उनके बहुत से कारनामों ने उन्हें मगरबी तहजीब की सबसे बाअसर शख्सियात में से एक बना दिया। अपनी मुतनाजिया मीरास के बावजूद अगस्तस रोमी अजमत की एक पायादार अलामत और बसीरत क्यादत की ताकत का सबूत है। यही है कि अगस्त सीजर को आज तक रोमन दुनिया में याद रखा जाता है।